हेलो माय डियर पाइसिस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 11-11 पोर्टल है, जो आपका स्पिरिचुअल फेनोमेनन है, इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगी। साथ साथ ये 11-11 पोर्टल आपके पूरे के पूरे लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, तो आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पर जाएंगे तो आपको डिटेल रीडिंग सारे टॉपिक पर मिल जाएंगे। ठीक है, थ्री कार्ड्स तो मैंने ले लिया आप सभी के लिए। तो पहला कार्ड जो है वो है आपके लिए मैजिकल गेटवे। तो ये जो 11-11 है, ये आपके लाइफ में एक ऐसे गेट को, एक ऐसे रास्ते को खोल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा करेज इंपॉर्टेंट है, तो बहुत करेजियस हो रहे हो और कुछ लोगों के लिए बहुत ट्रस्टवर्दी हो रहे हो। लोग आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, और बहुत बोल्डली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बोल्डली, बहुत ही ज़्यादा बोल्डली। तो यहाँ पे आप चाहे तो अफर्मेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, आई एम फोकस्ड ऑन माई गोल्स, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, आई एम वर्दी ऑफ प्रॉस्पैरिटी, आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस, आई एम अ मैग्नेट फॉर हेल्थ या वेल्थ, ठीक है, या फिर आई एम अलाइन विद अबंडेंस, आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, टू अदर्स, ठीक है। ये चीज़ जो है आप जो है अपने लिए लिख सकते हो, परमिशन कर सकते हो। उसके बाद तो ये तो क्लियर हो गया कि मैजिकल गेट पर खुल रहे हैं, और उसके बाद है प्रोटेक्शन। ऐसा हो सकता है अपने फैमिली से दूर, सभी से दूर आप रहते हो, आपको कहीं ना कहीं सेफ नहीं फील हो रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा है, या फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो कि शादी हो जाएगी तो क्या मैं अपने पार्टनर के साथ सेफ रहूँगी या नहीं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्यार, खुशियाँ, लाइट आ रही हैं। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक साइकिक प्रोटेक्शन मिल रहा है एंजल्स के द्वारा, और बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क भी आप कर सकते हैं इस 11-11 के ब्यूटीफुल टाइम पे। जो है आप बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं। नेचुरल साइन मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको चीज़ें जो है ना बहुत नेचुरली मिल रही है। वी नीड ओनली ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड। आपको सिर्फ ज़रूरत है अपने दिल और दिमाग को खोल के रखने की, मतलब पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको हर एक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मिल सकती है, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँगी कि और क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फर्स्ट, एंड देन है यहाँ पे सेकंड। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है कोई फील्ड चूज़ करने का, तो साइंस के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। साइंटिफिक नॉलेज आपके अंदर बहुत डेवलप हो रहा है इस 11-11 पोर्टल की वजह से। अगर आपके साथ कोई बेईमानी की जा रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो डिस्क्रिमिनेशन से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आ रहा है अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत ही ज़्यादा लिबरेटेड, पढ़े लिखे होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, जैसे कि आपकी कोई डिग्री कम्प्लीट हो रही हो, ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपका है कि अगर आप किसी चीज़ में मास्टर करना चाहते थे और घर से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब फाइनली आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉरेन से भी हो सकता है कि आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लव ऑफ गॉड। एक्चुअली में जो भगवान का प्यार होता है ना, सबको तो नहीं मिल पाता, ठीक है, लेकिन आपको भगवान का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब देखिए, नेचर पर भी डिपेंड करता है, अच्छे काम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। भगवान सबके लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन आप अपने नेचर को, कर्म को अच्छा रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ही आपसे प्यार करेगा और एम्पैथेटिक होगा आपको लेकर। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपैशन डेवलप हो रहा है। चैरिटी वर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, भगवान का नाम जो है आपको जपते रहना है। जितना भगवान का नाम जपोगे, उतनी जल्दी जो है आपके प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व होने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगी रूल्स के थ्रू। दिस वन, पहले मैं कुछ रूल्स सेलेक्ट कर लेती हूँ आपके लिए। तो पहला रूल्स यहाँ पे आ चुका है, एंड सेकेंड रूल है आपका दिस वन। जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर क्लियरिटी देकर बताऊँगी, ठीक है। रूल्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, बहुत डीप मैसेजेस देते हैं। ये देखिए ब्लैंक है, इसका भी कुछ मीनिंग है, वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल आपके मन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। देखिए कभी कोई साइन साइन जो है सेम सेम आए तो इट मीन्स कि वो उससे बहुत पावरफुल मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि दो साइन जो है सिमिलर सिमिलर आए हैं, ठीक है। तो रूल्स सेलेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले ये जो ब्लैंक है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपने मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा हो इस रीडिंग को देखते देखते और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, कंप्लीट नहीं आपको नॉलेज मिल पाया। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है आपको द बुक ऑफ आंसर के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। मन में कोई क्वेश्चन सोचिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, ओनली डू इट वंस। फॉर एग्जाम्पल आपके मन में ये सवाल है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, ठीक है, मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए या नहीं, करिए, ऑफ कोर्स करना है, बट ओनली वन टाइम, एक ही बार करना है। अगर वो चीज़ नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, वर्कआउट नहीं कर पाया, जस्ट लीव इट। तो ये जो ब्लैंक मैसेज है, ये ब्लैंक मैसेज का होता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका अभी आंसर नहीं है यूनिवर्स के पास, लेकिन फिर भी मैंने आंसर देके आपको बता दिया है, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि करना है बस एक ही टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद भी पता होगा कि उस पर ज़्यादा समय देने से समय बर्बाद ही है, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स खुद आपको अपना दिमाग चाहते थे कि आप लगाओ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये जो पहला है, और देखिए ये जो साइन है, ठीक है, दिस वन, ओके, ये डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा इससे, एंड ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ओके, तो सारे साइन ये दोनों सिमिलर है, ओके, बहुत मज़ा आ रहा है मतलब रूल्स की रीडिंग करने में। तो ये जो दोनों है ना, ये सिमिलर है, मतलब इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी पावरफुल होने वाला है। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया आपका, अब यहाँ पे ये वाला रूल्स के थ्रू मैसेज देखेंगे। तो ये जो मैसेज है ये बताता है प्रॉपर्टी को, कुछ नया घर वगैरह खरीदने को, लेगेसी को दिखाता है, थोड़ा सा आप उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, उसको भी दिखाता है। तो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि काफ़ी शांति मन से अपने लाइफ में आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, यही चीज़ कहा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपका ब्लैंक हो गया, दिस वन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको दिखा रहा है लीडरशिप क्वालिटी को, कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में लीडरशिप क्वालिटीज़ में आ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है अगर बेमानी हुई है तो, और कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट को भी यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है। तो वो इससे भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल आनेस्ट आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आनेस्ट आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हो। ओके, सो चलते बॉय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।